जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। और आज क्या पीर का दिन है ना, आज क्या दिन है भाई, मंडे। अच्छा, तो आज इसलिए हमारा दोबारा बैतबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं माजर चाहता हूँ, हमारी अपनी जाना वो तारीख दिन रात सब इस वक्त सब ऑटो पे, तो मैं नहीं पता कब कौन सा दिन चल रहा है और क्या चल रहा है। बैतबाजी का मुकाबला यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शान सुखन है ये कि जिसमें हमारे दोनों टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने 75 साल मुकम्मल कर रहा है और अपना यह सफ़र पाकिस्तान की तरक्की के साथ मुंसलिक करता है, नेशनल बैंक और पाकिस्तान। और आज की जो दो टीम्स हैं, नूरुल हिरा और रमशा नकवी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और हसन ताहिर या हसान ताहिर, हसान ताहिर और महद इकबाल हैं एनईडी यूनिवर्सिटी और सर सैयद एकेडमी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सबको मालूम है। अमरीन साहब ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं, अमरीन हसीब अंबर साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मैं जब भी आपको सलाम कर रहा हूँ मुझे पहले दिन वाला सलाम याद आ रहा है, लेकिन तो बहुत शुक्रिया। इकरार भाई आदमी हमारे साथ, मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा एक नज़म, और फिर डॉक्टर साहब जब पढ़ेंगी उससे फिर बाकायदा मुकाबले का आगाज होगा, ठीक है जी। वो मसीहा ना बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, वो मसीहा ना बना हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पर जिए उससे गुजारिश नहीं की, जाने क्यों बुझने लगे अव्वले शब सारे चराग, आंधियों ने भी अगरचे कोई साजिश नहीं की, अब के हमने भी दिया तरके ताल्लुक का जवाब, होठ खामोश रहे आंख ने बारिश नहीं की, उसने जाहिर ना किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे हमने भी पुरसिश नहीं की, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की। ये अशार डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहबा के लिखे हुए हैं जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, और डॉक्टर साहबा के ऐसे कितने ही ज़बरदस्त और कलाम है, क्या कहने हैं। डॉक्टर साहबा को सुनाएंगी और कुछ बात भी जो करना चाहें, फिर मुकाबले का आगाज़ होगा। जना आज इकरार भाई नहीं तो मुझे बैठने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमारे अशार पढ़े, जाहिर हमारे लिए एजाज की बात है। आज हम थोड़ी बात ये करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी टीम्स यहाँ आती हैं तो बैतबाजी एक खेल है, लेकिन खेल जो है वो इसलिए अहम होता है कि उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आनी चाहिए, कि आप लोग जो सबसे मुख्तलिफ सबको छोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ खड़े हुए हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी महारत ही नहीं है कि आपको बैतबाजी में महारत है या बहुत सारे शेर याद हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपको एक ऐसा अमल और एक ऐसा किरदार भी यहाँ पेश करके जाना होता है कि लोग उसको याद रखें। इसलिए कि जब मुकाबले की जोश और गर्मी हो उसमें आप अपनी ईमानदारी और दयानतदारी को बरकरार रखें और ये समझें कि हमारी जीत से ज़्यादा इस खेल की इज्जत अहम है, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फतह का जश्न या उसको कबूल करना जो है वो एक आजिज़ी के साथ होना चाहिए और हार का मुकाबला वक़ार के साथ करना चाहिए। वा, 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 अजमत उन ट्रॉफीज़ में नहीं है जो हम जीतते हैं, उन रिकॉर्ड्स में भी नहीं है जो हम बनाते या तोड़ते हैं, बल्कि अजमत उस किरदार में है जो हम खेल के दौरान परवान चढ़ाते हैं और वो विरासत जो हम छोड़ के जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है। दो शेर आता हूँ जावेद सबा साहब के शेर हैं। हाँ, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमगश्ता बयाज, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमगश्ता बयाज और चुपके से मोहब्बत का वरक मोड़ दिया। अच्छा, वाह वाह। हमको मालूम था अंजाम मोहब्बत, हमने आखिरी हर्फ से पहले ही कलम तोड़ दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। कलम तोड़ दिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट है, 5 मिनट आप लोगों के पास। जनाब बिस्मिल्लाह। उछले लिबास पहने हुए खूब रू बदन, इनके भी मेरी तरह मसाइल तो होंगे दोस्त, मेरे बलोच भाई पलट कर ना सके, अगवा कराने वालों के भी दिल तो होंगे दोस्त। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे, और अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। जनाब, ये बेबरकत रफाकत दस्तरस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हूँ, मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी,
मेरे अब्बू कहा करते थे मैं सरदार औरत हूँ। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुस्तकबिल सवारा या अली कहने के बाद, पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किल है मुश्किल में है, अरे कैसा बदला है नजारा या अली कहने के बाद। बाद दाल, दाल। दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना है, सर अगर सर है तो नेजों से शिकायत कैसी, शम्मे खेमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना हो चला जाए इजाजत कैसी। कैसी ये मैडम की डांट सुन के मुलाजिम ने यूं कहा, हर चंद संगे रेजा हूँ, गौहर नहीं हूँ मैं, लेकिन कलाम कीजिए मुझसे अदब के साथ, नौकर हूँ कोई आपका शौहर नहीं हूँ मैं। अच्छा मासूमाना बात है बड़ी, नौकर हूँ कोई आपका शौहर नहीं हूँ मैं। हाँ जी नून। नजर में है कई बुझते हुए सितारों की, मेरा गुबार जो आइंदा रोशनी होगा, मैं उसके कत्ल को नोटिस में लाना चाहता हूँ। अच्छा। कि चुप रहा तो मेरे साथ भी यही होगा। सही, यही होगा अलिफ। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम। अच्छा। रुसवाइयों का मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के मुंह पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। अच्छा चलो, शोहर के बाद मिनिस्टर की भी एक नई तारीफ बता दी उन्होंने। लेकिन अच्छा है, बैतबाजी में मिजा भी होना चाहिए। जी, जी। वो दिल वो शहरे बेनामो निशां, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत खत्म हो जाती है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, और अब दहलीज के दोनों तरफ एक जैसी दुनिया है, पलट कर जान लेंगी बेटियां आहिस्ता आहिस्ता। चार अशआर और सुना दीजिए। जी पहले आप। हमारे साथ की सब लड़कियां अब नानियां होंगी। अच्छा। कभी होती थी बिस्किट, अब वो बाकर खानियां होंगी, और जो मैसेज पर सभी लड़कों को दर से इश्क देती हैं, ये सारी लड़कियां कॉलेज में कल उस्तानियां होंगी। होंगी ये कहना तो नहीं काफी के बस प्यारे लगे हमको, उन्हें कैसे बताएं हम कि वो कैसे लगे हमको, बहुत शफाफ थे जब तक के मसरूफ़े तमन्ना थे, मगर इस कारे दुनिया में बड़े धब्बे लगे हमको। राइट जनाब। वली क्या मुरसल आए खुद रसूल आए, वली क्या मुरसल आए खुद रसूल आए, वो तेरी वाज की महफिल में या गौस। दोबारा पढ़ दीजिएगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना जी। वली क्या मुरसल आए खुद रसूल आए, वो तेरी वाज की महफिल में या गौस। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चले सुनाइए। किस हर्फ पर एंड हुआ है? तेरा अलिफ। अलिफ। आसान नहीं है मेरी अज़ियत के दाव पेच, मरता हूँ और जान से जाता नहीं हूँ मैं, अब तेरा खेल खेल रहा हूँ मैं अपने साथ, खुद को पुकारता हूँ और आता नहीं हूँ मैं। वाह वाह, आखिरी शेर सुना दे। ना आइज ना गालों से, ना नोजी ना बालों से, ना नखरीली चालों से, ना मुखड़े के नूर से अच्छी लगती हो, तुम बस मुझको दूर से अच्छी लगती हो। अच्छा ठीक है, सही है। अभी पता नहीं कि वजन में कितना है, नहीं आप फैसला करें, मुझे नहीं पता कि आप ये शेर फिर पढ़ दीजिए। आप लोग पढ़ते भी ऐसे हैं कि शेर बेवजन कर देते हैं। हाँ। बस दूसरा पढ़ फिर पढ़ दीजिए। हाँ। नूरो बिनते नूरो जोजे, नूरो उम्मे नूरो नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतें उनके जामों में है नीमा नूर का। सही। अच्छा अब ये 5 मिनट तो ये हो गए जिसके उन्होंने अशआर पढ़े थे, अब वही अल्फाज पे जाएंगे लोग सब। जी बिल्कुल, अब चूंकि दोनों टीम्स सही है, मशवरा मेरा ये, बाकी जज तो डॉक्टर साहब करेंगे ऑफ कोर्स, तो वो इनका फैसला है, लेकिन वो इसमें ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा अब वाले में,
कि वजन और उस एतबार से, क्योंकि अब जरा इसमें दो चीजों पर फैसला होगा, एक ये कि किसने पहले बजर बजाया और दूसरा ये कि वो उस लफ्ज़ से शेर किसने पढ़ा। अब हमें बताइए कहाँ खड़े हो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं जी, क्या डॉक्टर साहब तारीख की सही समझ में खड़ी है या कुछ आगे पीछे होना है इन्होंने? ठीक, हाँ सही है, सही, ठीक है जी। अच्छा जी, चूंकि हम तो पहली मरतबा ये काम कर रहे हैं तो बस मेला लूट लेंगे। जी, पहला लफ्ज आ रहा है आप लोगों के लिए। हाँ जी जनाब, है निशाते रफ्ता की आंखों में रोशनी है अभी, जहाज डूब गया बादबान रहता है। राइट जनाब, जहाज डूब गया बादबान रहता है। राइट, 1-0, ओके। चलिए जनाब, दूसरा लफ्ज आ रहा है। हाँ जी, टीम्स के लिए, जुल्मत। जनाब, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ठीक हो गया, 1-1 हो गया जनाब। तीन और दिखाए जाएंगे, ठीक है ना, जिसके पहले तीन नंबर हो गए, टोटल पांच है, दो हो गए। तीसरा देखें कितनी मैचिंग की फाइल लाए। ये लफ्ज देखिए जनाब, ये गुरूर हुस्न है या कोई तर्ज खास तेरी, ना किसी से कुछ भी सुनना ना किसी को कुछ बताना है, अगर ये खूह तेरी तो मेरा भी मशगला है, कभी इससे दिल लगाना कभी उससे दिल लगाना। चलो मशगले अपने ठीक करें आप, लेकिन शेर ठीक है, बहरहाल सही है। ये हो गया 2-1 जनाब। अच्छा जी, अब ये लफ्ज दोनों के लिए, झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहना जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अब ये लफ्ज जिसने ये बता दिया वो जीत जाएगा, और बजर बजा के गलत बजा दिया, नहीं बताया 5 सेकंड के अंदर। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, माय मिस्टेक, सही कह रहे हो कि मैं एक्चुअली आगे खड़ा हुआ था, वो अर्नन के एक आपके पास और है वर्ड। हाँ, इसको दोबारा इसलिए करेंगे कि उनके जाती ना हो जाए। अबे और डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरिए, अगर हाँ ठीक है सही, हाँ वो कंट्रोल में भी रेडी नहीं था, तो मैं आपसे डॉक्टर साहब कहूँगा फिर दिखाइएगा, और इस तरह कीजिएगा कि दोनों को एकदम नज़र आ जाए। चले जनाब, 3-2-1 जी डॉक्टर साहब, किसने बजाया? इन्होंने जी। जुल्लई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। एक तो शेर भी ये नहीं होता और ये मुद्दा और मुद्दे भी नहीं होता, तो ये मुद्दा कहाँ है? मुद्दा और मुद्दे में बहुत फर्क है, और पढ़ा भी गलत है। तो ये इस वजह से ये चला जाएगा इनके हक में, यानी कि पार्टिसिपेंट ए के हक में। तालियां बजा दीजिए, सही है, तालियां। होता वही है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और मुद्दई और मुद्दा, तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, फैसला तो आपने करना है, लेकिन मैं मुद्दा और शेर भी बहुत आगे पीछे जी हो गया। तो बहरहाल मैं तो भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, ये वो मुद्दा था। वो पहले भी उनको पॉइंट मिल गया था, लेकिन वो मैंने मुझे लगा कि मैं सामने खड़ा हुआ था और आपने भी कह दिया कि आपको नजर नहीं आया सही मेरी वजह से, तो मैंने कहा चले दोबारा कर लेते हैं, मुझे एक जहन पे बोझ रह जाता कि मेरी गलती की वजह से ना ज्यादा हो जाए। अच्छा खेला दोनों ने, लेकिन कोई समझना नहीं, जाहिर है वो मुकाबला है, तो किसी एक टीम ने आगे जाना है, इसलिए हमारी आज की फातह टीम है। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी मुबारकबाद, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से LEDs का तोहफा है हमारे ये दोनों भाइयों के लिए। आप मशागिल लेकर अपने ठीक करें, मेरा मशवरा है, और बाकी लेके अशार ज़बरदस्त हुए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे इस मुकाबले के साथ।